तो इसके चार नाम है, ठीक है, या तो इसको एक्साइज ड्यूटी बोल लो, बट ऑब्सोलीट हो गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन और गवर्नमेंट पॉलिसी। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखो जरा। लिखो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, बुलेट पॉइंट चेंज लिखो, व्हेन व्हेन एक्साइज ड्यूटी, व्हेन एक्साइज ड्यूटी इंक्रीजेस, व्हेन एक्साइज ड्यूटी इंक्रीजेस देन, कोई बताएगा? वेरी गुड, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, then cost of production also increases. हाँ, इसकी वजह से क्या होगा? हाँ, which decreases the per unit profit of the producer, per unit profit of the, and therefore, and therefore, बताओ भाई, very good, supply decreases, and therefore supply decreases, ठीक है? हाँ भाई, एक बात बताओ, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देगी, यानी टैक्स बढ़ा देगी, तो प्रोड्यूसर का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना, सही बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर प्रोड्यूसर का ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उसका खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो जल्दी बताओ पर यूनिट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, और पर यूनिट प्रॉफिट कम तो सप्लाई कम। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे से लिख लेना वाइस वर्सा, पूछो जल्दी। नहीं, कुछ आइटम्स पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एल्कोहल, ठीक है, हाँ, इन सब पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, सब पे नहीं लगती, ठीक है, तो कुछ आइटम्स को एग्जेम्प्ट करा गया है जीएसटी से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एक एक ही लगेगा, जीएसटी भी लगा दो, एक्साइज ड्यूटी भी लगा दो, कैसे चलेगा, जान ले लो, वो किसी और चीज पे लगी होगी, लाओ दिखा देना मेरे को लाके, अब टाइम वेस्ट मत करो, लाके दिखाना तब बात करना, ठीक है? हाँ, लिखो, हेंस देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप, negative relationship between excise duty and supply, ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डायग्राम बना के दिखा सकते हो आप मेरे को, इसका बनाओ, हाँ देख लो भाई, अपने आप डिसाइड करो,
देख रहा हूँ। हाँ भाई यहाँ पे हम नीचे क्या लेंगे, सप्लाई, ठीक है, और उस पे क्या लेंगे, प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको पता है प्राइस हमारा क्या रहेगा, वाई कांस्टेंट, जब अदर फैक्टर्स वर्क करते हैं तो प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट। ये बात ध्यान रहेगी। तो प्राइस हमारा ओपी और उस पर क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी पहले, फिर देखो आज न्यू वाला सप्लाई कर कहाँ कट कर रहा है यहाँ पे। हाँ तो देखो क्वांटिटी सप्लाई कितनी आ गई, OQ1, ठीक है। तो इस वाले कर्व पे जो एक्साइज ड्यूटी थी, ठीक है, और फिर इस पे जो एक्साइज ड्यूटी थी, दोनों पे एक्साइज ड्यूटी अलग अलग है ना। इस पे क्या थी एक्साइज ड्यूटी, थोड़ी कम थी, इस पे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, इसमें भी एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिखो when government uses relaxed government policy then how it will affect the supply। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? नहीं आया ना, इसका अपोजिट है जो ऊपर दिया। सुनो मेरी बात, देखो मैंने इसके चार नाम बताए थे आपको, इसलिए मैंने लिखवा दी सारी बात, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, और देखो एक और लिखवा रखा मैंने क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी, दिख रहा है आपको। अब गवर्नमेंट पॉलिसी दो टाइप की हो सकती है, स्ट्रिक्ट और रिलैक्स्ड। स्ट्रिक्ट मतलब एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है, रिलैक्स्ड का मतलब एक्साइज ड्यूटी कम है। तो रिलैक्स लिखा है, दैट इज इट डिक्रीजेस द एक्साइज ड्यूटी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सब पे करते हैं, ठीक है। टैक्सेस कौन पे करता है, पर्सन। अब पर्सन का मतलब ह्यूमन नहीं है, टैक्स के अंदर पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, या आर्टिफिशियल या ज्यूरिडिक्शियल पर्सन हो, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सन है भी नहीं, लॉ उसको पर्सन मान लेते कभी कभार, जैसे मंदिर वगैरह सब पे, मस्जिद वगैरह सब पे वो आता है ट्रस्ट, चंदा वगैरह आता है बहुत सारा डोनेशन, सरकार उस पर भी लगा देती है टैक्स, उसको आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिक्शियल पर्सन मान के क्या डायरेक्ट टैक्स लगेंगे, इनकम टैक्स। अरे तुम्हारी इनकम नहीं है क्या, ट्रस्ट की इनकम नहीं होती क्या, ट्रस्ट पे तेज बोल के क्या हो जाएगा, ट्रस्ट पे ऐसे ही बोला तुमने, ऐसे हो गए बिल्कुल ही कैटरपिलर टाइप। अरे लगता है सब पे लग जाता है। देखो क्या होता है, पर्सन की एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। पर्सन के अंदर कौन आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, HUF, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों आती हैं, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यूनाइटेड ही होगी तभी अनडिवाइडेड है, वरना तो डिवाइड हो चुके होते, ठीक है। फालतू में टाइम वेस्ट कराने तो बहुत मजा आता है, करा लो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं तो खाली हूँ आज, ठीक है। HUF कंपनी, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, कंपनीज की बहुत टाइप होते, टाइप्स ऑफ कंपनीज पड़ी है, तो मैंने कंपनी बोल दी, दैट मीन सारी कंपनीज आ गई उसके अंदर, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसके अंदर एक मेन चीज है आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिक्शियल पर्सन, ठीक है। अब ये क्या होता है, आर्टिफिशियल एंड ज्यूरिडिक्शियल पर्सन जो इस पर्सन की डेफिनेशन में आया नहीं है ना, कवर नहीं हुआ, और वट इनकम हो रही है वहां पे, ठीक है, तो सरकार उसको आइडेंटिफाई करके उस पर क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तो कई बार डोनेशंस आते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, कहीं मंदिर पे आए, कहीं पे आ गए, ठीक है ना, सरकार उससे भी टैक्स वसूल कर लेती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ये कह रहा हूँ, आगे चले।
लिखो, अब फोर्थ फैक्टर है ना, गोल ऑफ द फर्म, गोल ऑफ द फर्म, ठीक है लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स ऑफ अ फर्म लिखो, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है शेयर मैक्सिमाइजेशन, शेयर बोल लो या सेल्स बोल लो, सेल्स बोल लो आप, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। क्या अब किसी कंपनी या फर्म के जो गोल्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, वो भी उनकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? तो आंसर है यस, ठीक है। कितने टाइप के गोल्स होते हैं? दो टाइप के, या तो कंपनी चाहेगी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या कंपनी चाहेगी सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज हो या ना हो उससे मतलब नहीं है कि क्या क्या बढ़नी चाहिए, सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस रिड्यूस कर दोगे, सेल बढ़ा दोगे, तो भी प्रॉफिट उतना ही रहेगा तुम्हारा। मान लो मैं फीस अपनी 500 रुपए कर दूं, बच्चे यहाँ ज्यादा आ जाएंगे, प्रॉफिट तो मेरा उतना ही रहा, दिमाग तो लगाया करो थोड़ा सा, ठीक है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आ गई बात? ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ कंपनी का एम जो है, अरे क्या बोल रहे हैं ये भैया, वो मेरा, हाँ तो बस 12 बजे तुम चले जाना, 12 बजे तक तो अटेंड करो कम से कम, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, पहले समझा देता हूं फिर लिख पाऊंगा, ठीक है। मान लो कंपनी का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, तो कंपनी सप्लाई कब इंक्रीज करेगी? वेरी गुड, ठीक है, दिमाग तो लगा लेता है, वैसे फालतू क्वेश्चन पूछता है बट दिमाग लगा लेता है, इसलिए इसको कुछ नहीं बोलता ज्यादा मैं, वरना तो सब खा जाता मैं अभी तक। मैं कह रहा हूं बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर एम है तो कंपनी सिर्फ सप्लाई तभी इंक्रीज करेगी जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे होंगे, अदरवाइज नहीं करेगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गई ना समझ में, है ना? देन कंपनी विल इंक्रीज द सप्लाई ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, पहली बात, ठीक है। बट अगर कंपनी का एम क्या बताओ भाई, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सप्लाई कहां से है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो कंपनी सप्लाई इंक्रीज कर देगी, बताओ भाई प्रॉफिट कहां से आ गया? प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या ना हो। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गई? मैं बोला अगर कंपनी का एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या है, देन सप्लाई विल इंक्रीज ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। अच्छा, और अगर एम क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन supply will increase without any change in price. हमें मतलब नहीं है price से, फिर तो हमें बढ़ाओ भाई, चाहे price कम हो ज्यादा हो, मतलब ही नहीं, हम देख ही नहीं रहे, हम देखें, हाँ हमें तो क्या करना, अपने सेल बढ़ानी है। यही बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, टेंशन नहीं, ये सारी बातें बताऊंगा। सर जाने में भी टाइम लगेगा थोड़ा, कोई व्हीकल नहीं है तो बेटा अब चले जाओ, क्या करूँ, रिकॉर्ड तो हो रही है क्लास, ठीक है ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कोका कोला कंपनी है, हाँ भाई बताओ, कोका कोला, ठीक है। अब मुझे बताओ जो कोका कोला कंपनी है, ठीक, आपको क्या लगता है इनमें दोनों में से कौन सा उसका मोटिव रहता होगा जनरली? भेज दोगे सर क्लास? हाँ भेज दूंगा भाई, कब मना करूंगा, जाऊंगा कहाँ, गाजियाबाद में रहना है मुझे भी, ठीक है भेज दूंगा। अब बताओ कोका कोला की अगर बात करी जाए, अच्छा आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब पता है? पहले तो ये बताओ, ये तो समझ में आ गया कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन में करोगे क्या, बट सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होगा, ऐसा चाह क्यों रहे हो, सेल्स को मैक्सिमाइज करना है ना,
सेल्स को कंपनी तब मैक्सिमाइज करती है, ठीक है, जो ऐसा नहीं भी होती है, जब कंपनी अपने प्रेजेंस दिखाना चाहती है, कंपनी दिखाना चाहती है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, समझ में आ गई बात? तो कहती है प्राइस छोड़ो, सामान बेचो, चाहे कम पे चाहे ज्यादा पे, मार्केट में एक एक जगह पे दिखना चाहिए प्रोडक्ट, हर दुकान पे प्रोडक्ट दिखना चाहिए। क्या, हाँ, तो मैं नहीं, मैं आया कहा, मैंने कहा बोला अभी को लगा रहा है, अभी तो पहले मैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे आ गया, ठीक है, तो हर जगह दिखना चाहिए, नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोने पे सब जगह प्रोडक्ट दिखना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को? तब कंपनी सेल्स मैक्सिमाइज करती है मार्केट के अंदर शेयर को। मान लो अगर सॉफ्ट ड्रिंक जा रही है मार्केट के अंदर 100, तो कंपनी कह रही है इसमें 90 हमारी होनी चाहिए, 90% शेयर हमारा होना चाहिए, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यानी अगर इस तरीके का आपका एम है, आप चाह रहे हो मार्केट में सब जगह प्रोडक्ट देखें, 90% शेयर कैप्चर करना चाहते हो मार्केट का, शेयर मैक्सिमाइज, तो बेटा इसको बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन या शेयर मैक्सिमाइजेशन। और तब ध्यान रखना, तब आप प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, पहले बता दिया मैंने, प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे। तो कोको कोला कंपनी क्या करती है, कोको कोला कंपनी का एम स्टार्टिंग से सेल्स मैक्सिमाइज, शेयर मैक्सिमाइजेशन ही तो रहा है। पहली बात, कोको कोला सिर्फ इंडिया में थोड़ी बिकती है, कहाँ बिकती है, बाहर मतलब पूरी दुनिया बिकती है, कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ कोको कोला नहीं बिकती है, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। ऊपर से इंडिया में चलो बात करते हैं, गांव में चले जाना किसी भी रैंडमली पिक करो, वहां पे जाओ छोटी सी दुकान मिलेगी लकड़ी की बनी होगी खोखा टाइप, ठीक, उस पे पीने का पानी नहीं मिलेगा, एक छोटा सा फ्रिज रखा होगा, ठीक है, उसमें से आपको कोको कोला की बोतल निकाल के दे देगा। मतलब इतना मार्केट को पेनिट्रेट कर रखा है इन्होंने, सेल्स इतनी ज्यादा मैक्सिमाइज कर रखी है, इतनी ज्यादा कि हर जगह पहुंच गए हैं, ठीक है। ऊपर से देखा प्राइस बढ़ता हुआ कभी, अरे अब क्या, 5-6 साल में एक बार 1-2 रुपए बढ़ा दिए उसको, उसको उस कंडीशन की बात करो, प्राइस की बात करो, ये बताओ। हाँ, प्राइस की बात, रिटेलर्स के लिए प्राइस की बात कर रहा हूँ, सॉरी कस्टमर्स के लिए, होलसेलर और रिटेलर के लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, कस्टमर्स के लिए। आप कितना प्राइस पे करते हो, 12 रुपीज, कब से पे कर रहे हैं, कितने टाइम से, और पहले 10 रुपए पे करते थे, बाद में 2 रुपए बढ़ गए, कितने टाइम बाद 2 रुपए बढ़े हैं यार, और 2 रुपए कुछ बढ़ना, 2 रुपए कुछ बढ़ना होता है, वेट लूज कहाँ हो गया। हाँ अच्छा, वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है भाई, वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनका एम क्या है, सेल्स, तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो क्वांटिटी कम करेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर कंपनी का एम क्या है, देन सप्लाई विल इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, ठीक है, और सप्लाई इतनी बढ़ा बढ़ा के, इतना सेल्स मैक्सिमाइज करके पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत बड़ी बात होती है। गूगल अब काफी बड़ी कंपनी और काफी पुरानी कंपनी, पेप्सी है सबसे पहली सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, अरे लहर को पेप्सी ने खरीद रखा है, कैसी बातें कर रहे हो, लहर तो इंडिया की कंपनी है, उसको पेप्सी ने खरीद रखा, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर। आपको पता है बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर सीधा आके ऐसी सेटअप, किसी से ज्वाइंट वेंचर करना पड़ता, तो उसने उसको खरीदा पहले, क्योंकि वो यहाँ पे रजिस्टर्ड लहर कंपनी, फिर जाके उन्होंने उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा, तो लहर इंडिया की कंपनी उसको खरीद रखा है पेप्सी ने, पेप्सिको ने, फालतू की बात है। लिखो, व्हेन व्हेन दी गोल, अरे यार, व्हेन दी गोल ऑफ दी फर्म, बताओ भाई, ऑफ द फर्म इज व्हाट, प्रॉफिट, पहले इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉमा, देन सप्लाई, देन सप्लाई विल इंक्रीज, देन सप्लाई विल इंक्रीज ओनली, हाँ, ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, उसके बाद बुलेट पॉइंट चेंज करें।
लिखो व्हेन, व्हेन द गोल, व्हेन द गोल ऑफ द फर्म इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन then supply will increase without any change in price, without any change in, बात समझ गए ना? तो यानी goal of the firm भी किसको affect करता है बताओ? supply को. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद next कौन सा था? Price of the other goods. Nah. Fifth. Likho. Haan, likho price of other goods. Theek hai? समझाऊंगा इसको, लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आराम समझ लो. देखो सुनो मेरी बात, स्तुति समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं? ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर प्रोड्यूसर एक से ज्यादा कमोडिटीज में डील करता है, क्या बोला मैंने, डील करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ एलजी कंपनी है ना, सबको पता है एलजी कंपनी क्या है, एलजी की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ गुड. ठीक है ना, तो जो कंपनी है ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, कंज्यूमर वॉशिंग मशीन टेलीविजन वगैरह है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है. अब मैं बोल रहा हूँ ये कंपनी जो है, मान लो ये वॉशिंग मशीन बनाती है, ठीक है, वॉशिंग मशीन और टेलीविजन प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ढंग से सुनते रहना मेरी बात को. मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर क्या हुआ, वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बट टेलीविजन का प्राइस बढ़ रहा है. ठीक है, आपको क्या लगता है कि एलजी कंपनी को क्या करना चाहिए, टीवी को बेचना चाहिए है ना, तो टीवी की सप्लाई बढ़ा देगी इन प्लेस ऑफ व्हाट, बताओ भाई, वॉशिंग मशीन. तो वॉशिंग मशीन की सप्लाई क्या रहेगी, सेम, किसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, टीवी की. समझ में आ गई बात? तो इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स, यानी प्रोड्यूसर को हमेशा उस गुड की सप्लाई बढ़ानी चाहिए जिसका प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है. ये बात ध्यान, इतना सिंपल सा पॉइंट है. क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गए? ठीक, एक फैक्टर और है इसके अंदर यार, नेचर ऑफ कमोडिटी नहीं, चलो देखूंगा मैं कौन सा. वैसे मैं 6-7 फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज, चलो टेक्नोलॉजी. तुम्हें भेज दिया था क्या मैंने भैया? उस दिन भेजा नहीं था आपने, वीडियो वगैरह सारी. अच्छा वीडियो में भेज दिया, बट ठीक है ठीक है. हाँ एक और सुन लो जरा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ध्यान रखना इस बात को. अब अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो ढंग सुन लो, इसको भी सुन लो, लिखवाऊंगा बाद में. तो टेक्नोलॉजी के अंदर दो टाइप के चेंजेस होते हैं, है ना, या तो वो अपग्रेड होती है या वो डिग्रेड होती है ना, बात समझ रहे हो बात को, है ना, या तो अच्छी इंप्रूव होगी या फिर पुरानी होती चली जाएगी, करेक्ट है. हाँ अब अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो उससे सप्लाई इंक्रीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक, ऐसा क्यों है? हाँ भाई, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इससे सप्लाई. क्या बोल रहे हो कार्तिक, क्या बोल रहे हो बताओ भैया? टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड होगी तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसलिए सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. वेरी वेरी गुड, बट एक और बात है इसके साथ साथ. यार तुम तो पॉइंट ही पता नहीं कौन सी दुनिया से लेके आ रहे हो तुम, बिल्कुल ही एक लड़का तारे से बिल्कुल उसकी तरह बातें कर रहे हो आज तुम. ठीक है, सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूँ बेटा जो नई टेक्नोलॉजी आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है अपग्रेड होके, वो हमारे खर्चे को बढ़ाती है कम करती है?
तुम नई टेक्नोलॉजी लाके इसलिए लगाओगे वो तुम्हारा खर्चा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। अरे गाड़ी पुरानी हो गई उसमें डीजल ज्यादा लगेगा या नई गाड़ी में? पुरानी लगेगा ना, तो वही तो पूछ रहा हूँ खर्चा किसमें ज्यादा आएगा। तो बेटा जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है नई आई है, आइदर इट विल डिक्रीज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तो क्या होता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होता है, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, कोई प्रॉब्लम की बात? ठीक है, तो इट विल आइदर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट बात इंक्रीज द प्रोडक्शन एट द सेम कॉस्ट। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जरा मेरी बात को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ या तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर देगी, ठीक है, और खर्चा कम तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ा दोगे, देखो सप्लाई बढ़ गई, हाँ बात वही हुई, तो उसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं ना, वही बता रहा हूँ मैं। या क्या कि आपका बेटा प्रोडक्शन बढ़ा दिया एट द सेम कॉस्ट, यानी खर्चा उतना ही है जो पहले आ रहा था, खर्चा वही है जो पहले आ रहा था दिस मशीन, बट प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो कान में इधर से खींचू चाहे इधर से, दोनों में सप्लाई क्या होनी, जल्दी से बताओ, दोनों के अंदर सप्लाई क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई डिग्रेड हो गई है, डिग्रेड का मतलब क्या हुआ, पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी, बहुत टाइम से चला रहे हैं उसी को, ठीक है, हैं? नहीं ये नहीं, स्मार्टफोन की जगह वो नोकिया 5233 चला रहे हो, ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी अब क्या करेगी, ये खर्चा बढ़ा देगी या वेस्टेज इतनी ज्यादा करेगी कि आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम, और दोनों के केस में सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। बात समझ में आ गई? तो पहली बात अपग्रेडेशन, इट विल आइदर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंक्रीज द प्रोडक्शन एट द सेम कॉस्ट, ठीक है, डिग्रेडेशन इट विल आइदर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीज द प्रोडक्शन एट द सेम कॉस्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई? 6 फैक्टर हैं टोटल, कितने बहुत ऐसे तो, ठीक है, मेन मेन बता दिए मेरे, ठीक है, पहला बताओ प्राइस ऑफ द, दूसरा कॉस्ट ऑफ, तीसरा वेरी गुड, उसके बाद गोल ऑफ दी प्राइस ऑफ अदर गुड्स और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा इसके लिए क्या करो, आधा पे छोड़ दो जरा, जल्दी जल्दी इसी के लिए, पॉइंट के लिए, प्राइस ऑफ दी अदर गुड्स के लिए, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए, बट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में तो डायग्राम जरूर बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, उसके हिसाब से छोड़ देना। छोड़ दिया, एक क्वेश्चन लिखो, दो क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दिए, ये होमवर्क नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन and change in quantity supplied. Differentiate between change in supply and change in quantity supplied. ठीक है भैया, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है? नहीं बेटा, ये होमवर्क नहीं है, ये कल कराऊंगा, सुनो मेरी बात को, कल की टाइमिंग बताओ जरा जल्दी से, सेम टाइमिंग है, सही है, 11 9 से कितने बजे तक है, 11 बजा देंगे, तो फिर 11 बजे तक आ जाओगे यहाँ पे पक्का, तो एक काम करते हैं 11 से 12 एक घंटे तो अपनी पढ़ाई रख लेते हैं, ठीक है, इसके आगे करेंगे, और फिर हाँ फिर 12 से हाँ एक हम अपना टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है, टेस्ट सब्जेक्टिव है पूरा, पहले बता दिए टेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव है, कुछ नहीं पता, बनाऊंगा अभी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ज्यादा ज्यादा 30 नंबर का दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, ठीक है, 30 नंबर का लिखना पड़ेगा बट सब कुछ, तो 12 से 1 हमारा क्या है जल्दी बताओ, टेस्ट है, और उसके बाद एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसमें हम अपना सप्लाई कंप्लीट करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना, अभी मैं उस ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है,
क्लियर है, कल सप्लाई खत्म हो जाएगा, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर लेंगे। बट अपने हाँ फिर अपने रात वाले के अंदर लॉरेंस कर्व भी करके खत्म करें, लॉरेंस कर्व करें एक दिन हम अपना पूरा, और फिर एक दिन प्रैक्टिस करें, एक दिन थोड़ा एडिशन, हाँ कंबाइंड एचडी, तो मैं कंबाइंड एचडी कराऊं पहले, ठीक है, कंबाइंड एचडी करेंगे और फिर खत्म कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद कोरिलेशन भी स्टार्ट कर दूंगा, पहले सोच रहा हूँ पहले इधर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट करा दूं, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, पहले दिमाग खराब हो जाए, इधर भी न्यूमेरिकल उधर भी न्यूमेरिकल सब जगह चल रहे हैं, ठीक है, तो इधर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई खत्म करके फिर कोरिलेशन खत्म करेंगे। नहीं नहीं कर सकते बेटा, सॉरी बेटा, एक्स्ट्रा फीस लगेगी उसकी।